अगर आपको खाने के समय एक ऐसी अनोखी और मज़ेदार चटनी मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। आज हम जा रहे बनाने स्पेशल प्याज की चटनी, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते आज की मज़ेदार रेसिपी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्याज की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 4 प्याज, जो उसके ऊपर के छिलके होते हैं ना उसको निकाल दिए और साथ ही उसको छोटे छोटे शेप में काट दिया है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप चाहे तो प्याज कम भी लीजिए या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई बैठा देंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल के बाद प्याज डाल देंगे और साथ ही लहसुन डाल देंगे और सबको डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और साथ ही इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा। और अभी आप चाहे तो गैस की फ्लेम को हाई रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज पक रहा है ना, इसमें हमें अभी कोई मसाला कुछ भी नहीं डालना है, अभी बस हमें इसको पकाते ही रहना है। 1 मिनट पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे इमली। इमली से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इमली आप ज़रूरी डालिएगा प्याज की चटनी में। अगर आप इमली नहीं डालेंगे ना तो ये खाली प्याज का चटनी ही लगेगा। और ऐसे इमली डालने से क्या होगा ना, थोड़ा खट्टा लगेगा ना तो और अच्छा लगेगा चटनी और साथ ही मीठा भी लगेगा। तो आप लोग इमली ज़रूर डालिएगा। तो देखिए हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल कर 10 से 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे। देखिए प्याज कितना अच्छी तरीके से पक गया है ना, तो बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए थोड़े बहुत मसाले देख लेते हैं। मसाला के बिना टेस्ट नहीं आएगा ना, तो मसाला तो थोड़े बहुत तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा मसाला नहीं, जो हमारे घर में होते हैं ना हम वही मसाला लेंगे। तो हमने लिया है आधी छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ के बाद हमने 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है, साथ ही 4 से 5 लाल मिर्च लिया है, साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मेथी के दाने लेंगे। मेथी के दाने आप थोड़ा कम ही लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाई बैठा देंगे गैस पर। इसके बाद जो हमने लिए थे ना मसाले उसको डाल देंगे और 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी गैस की फ्लेम को लो पर रख कर ही रोस्ट करिएगा। अगर आप हाई पर रखेंगे तो जो मसाले वो जल जाएगा और जलने के बाद स्वाद कैसा देता है वो तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। तो देखिए हमने 1 मिनट हो गया और हमने पूरे अच्छी तरीके से मसाले को रोस्ट कर दिया है। तो लीजिए हमने मसाले को भी रोस्ट कर लिया और साथ ही प्याज को भी फ्राई कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब तो हम इसको मिक्सी के जार में पीसना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो डालकर हम चटनी बना नहीं सकते। तो चलिए पीसने चलते हैं। सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे, जो मसाले लिए थे ना मसाले को डाल देंगे और एक इसका अच्छा सा पाउडर रेडी कर लेंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम हमें महीनी पाउडर, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एकदम महीनी पाउडर अच्छे तरीके से बनाए। तो हमने सारे मसाले को डाल दिया है, इसमें पानी नहीं डालना है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर हम इसको पीस लेंगे। तो लीजिए हमने इसको पीस लिया है, अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। तो ये लीजिए पूरा अच्छी तरीके से पाउडर बनकर रेडी हो गया ना, तो आपको भी एकदम ऐसा ही रखना है। इससे आपको ज़्यादा खाड़ा नहीं रखना, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक थाली लेंगे और उसमें सारे को निकाल देंगे। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी और इसमें कुछ भी नहीं लगता, जो हमारे घर में होता है ना हम उसी से आसानी से बना लेते हैं। और आप इसको अगर एक बार खाएंगे ना तो आप अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, क्योंकि इतना स्वादिष्ट लगता ही है। इसके बाद जो हमने प्याज लिया था ना, प्याज को भी सेम इसी प्रोसेस से डालकर पीस लेंगे। तो देखिए हमने प्याज को डाल दिया है, इसके ढक्कन लगाकर इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए अभी पूरा पूरा पीसा नहीं है ना, तो अब हम इसमें चाहे तो पानी डालें या तो ऐसे ही पीस लीजिए। तो हमने इसमें पानी डालकर पीस लिया। तो ये लीजिए हमारा प्याज का पेस्ट बनकर रेडी हो गया। ध्यान रखिएगा जब आप प्याज का पेस्ट रेडी करेंगे ना तो हमें इसमें इसका पूरा महीन रखना है, खाड़ा नहीं रखना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना हमारा इतना महीन है ना, तो आपको भी एकदम ऐसे ही रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद सबको हम छोटे से कटोरे में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमने निकाल लिया, साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है इसमें, जो धोने के बाद होता है ना वही पानी डाला है। इसके बाद गैस पर कढ़ाई बैठा देंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। तो देखिए जीरा कैसे पॉप कर रहे हैं ना,
जब हमारा जीरा थोड़ा सा पक जाए ना तो हम इसमें राई डाल देंगे यानी कि सरसों। सरसों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर साथ ही टेस्ट आएगा, तो सरसों जरूर डालिएगा। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा मंगरैला डाल देंगे यानी कि हम इसको मंगरैल भी बोलते हैं ना, वही मंगरैला है। इसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट लिया था ना, प्याज का पेस्ट को भी डाल देंगे, साथ ही ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि सबसे मेन प्रोसेस यही होता है पकाने का। जब तक आपका प्याज का चटनी नहीं पकेगा ना तो अच्छा नहीं बनेगा। इसके बाद जो मसाले लिए थे ना, मसाले को भी ऐसे डाल देंगे। तो हमने सब चीज़ तो डाल दी, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है। हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ ही थोड़ा अच्छा कलर भी देगा। फिर हम सबको मिक्स कर लेंगे और साथ ही 4 से 5 मिनट आराम से पकाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रख लीजिएगा। आप इस चटनी को रोटी के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, या तो आप चावल के साथ खाइए, या आपको जिस साथ पसंद है उसके साथ खाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें स्वाद लाते हैं। स्वाद लाने के लिए हमने डाला है 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक तो डालना ही पड़ेगा ना। फिर हम सबको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी, उसमें कुछ भी नहीं लगा ना। जो हमारे घर में होता है ना सामान, हमने उसी से कितने आसानी से कितनी जल्दी जल्दी करके बना भी लिया है। तो लीजिए प्याज की चटनी बनकर रेडी हो गई, चलिए सर्व करते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारा प्याज का चटनी। लग रहा ना आपको ये प्याज की चटनी है, लग रहा है कोई अच्छा सा सामान है जो कि आप पैसे लेकर खा ले। ये इतना टेस्टी लगेगा कि आपको इसको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, बार बार आप इसी को खाने को मन करेगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग भी खाइए, खूब इंजॉय कीजिए।